बीजेपी के पास गए थे या फिर बीजेपी आपके पास लेकर आई थी कि आप हमारे लिए हमसे जुड़िए? नहीं, मुझे कॉल आया था कि हम लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो पहले तो मैंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अब देखिए, आज भी आने वाले कम से कम 12 महीने में मुझे एक दिन की फुर्सत नहीं है। 12 महीने तक लगातार मेरी शूटिंग है, फिर मैं उसमें से समय निकाल निकाल के जा रहा हूँ। हर 15 दिन पे आजमगढ़ जाता हूँ अपनी जिम्मेदारी के लिए। पता की कि नीरवा जी कहाँ है, तो पता चला कि नीरवा जी आजमगढ़ निकल गए। जी, मैं आते तो जाते रहता। अच्छा लगा कि अक्सर होता है, मैं बता दूं कि चुनाव खत्म होते ही सांसद फिर अपने घर चले जाते हैं। अभी चुनाव खत्म हुए मात्र 1 से 1.5 महीना हुआ था और नीरवा जी आजमगढ़ तीसरी बार गए थे। अभी भी मैं बड़ी चीज है, आज भी मैं जा रहा हूँ। आज यहाँ से शूटिंग से निकलूंगा, मतलब कल वहाँ जाऊंगा। सदस्यता अभियान है तो उसमें मुझे शामिल होना है, तो वो तो मैं लगातार वहाँ बने रहूंगा। सवाल ये था कि मुझे पार्टी ने अप्रोच किया था या मैंने कहा था, तो पार्टी ने ही कहा था और मुझे 14 में भी चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था गाजीपुर से। पर मैं उस समय पूरी तरह से ये तय कर लिया था कि चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, आप लोगों का मैं प्रचार कर दूंगा, तो मैंने सारी पार्टियों का प्रचार किया था। भारतीय जनता पार्टी में अगर मेरा कोई मित्र था तो मैंने उनका भी प्रचार किया। कांग्रेस में मेरे रवि किशन भैया थे तो उनका मैं जौनपुर में प्रचार किया। सुभाष पासी जी सपा में थे, उनका प्रचार। तो मेरे जो खुद के जो रिलेशन थे लोगों के साथ में, मैंने उसको निभाया। पर 19 में जब मुझे ऐसा ऑफर मिला और मुझे जब पूजनीय महाराज जी ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब बुला के कहा कि आप चुनाव लड़ो, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी है, ये चीजें हो रही है, आपको क्या लगता है, हम लोग चाहते हैं कि आप लड़ो। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी लग तो रहा है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये जो गठबंधन हुआ है ये ठीक नहीं है, ये मुझे लगता है कि मैं भी इसके विरोध में ही हूं। तो मैंने अपना विरोध जताने के लिए ही कहा कि चलिए मैं लड़ता हूं, और मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन तब तक अभी सीट फाइनल नहीं हुआ था आपका? सीट फाइनल नहीं था, बस अनाउंसमेंट हुआ। हाँ, अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि लड़ेंगे चुनाव। जब मुझे पता चला कि आपको आजमगढ़ से लड़ना है, तो मुझे अच्छा लगा कि ये तो और अच्छा हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति का मैं विरोध करने के लिए आया हूँ, जो इतने बड़े, जिनके नाम पे ये ठप्पा लग जाता है कि यादव हो, मतलब आप समाजवादी पार्टी के हो, तो जब इतना बड़ा ठप्पा, इसके बाद आप यादवों को लेके जाना कहां चाहते हैं? आप हमारी छवि क्या बनाना चाहते हैं? अगर मेरे नाम के आगे लिख गया दिनेश लाल यादव, और इस बात से अगर लोग मुझे ये जोड़ते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूं, तो ये समाजवादी पार्टी किन लोगों का समर्थन कर रही है, किसके साथ जा रही है? आप राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं जो इस देश के विरोध में बात करते हैं, जो भारत के टुकड़े होंगे ऐसे लोगों के साथ में खड़े होते हैं? तो मैं तो यादव हूं, पर मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता, जीवन में नहीं करूंगा। तो मुझे लगा कि ये टैग भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं यादव हूं और समाजवादी पार्टी का आदमी हूं, और उस समाजवादी पार्टी का आदमी होने का टैग लग रहा था जो इस देश के विरोध में काम करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे थे। तो मैं इसलिए भी चुनाव में उतरा। शायद यही वजह था कि 2019 का लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में कोई जगह था, तो वो था आजमगढ़, क्योंकि वजह थी एक तो आप और उस पर से यादव, और सामने था सपा का अध्यक्ष। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश भैया के साथ में वहाँ चुनाव लड़ने के वजह से ही चर्चा हो रही थी कि भाई दो यादव हैं, एक तो पूर्व सीएम है और ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके साथ में तो यहाँ तक कह रहा था कि नीरवा जी का जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो उनका सोचना गलत भी नहीं था, वो लोग ऐसा बोलते थे तो इसलिए बोलते थे कि जो वहां का समीकरण था जिस तरह का, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गठबंधन में उनका वोट ज्यादा था ही, तो उस हिसाब से वो जोर की बातें कर रहे थे। पर मैं क्या देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए काम किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई तुम हिंदू हो, कि तुम मुसलमान हो, कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम दलित हो, ऐसा देख के उन्होंने किसी को गैस कनेक्शन या उसको आवास या उसको शौचालय या उसके खाते में पैसे, ये देख के नहीं दिया था उन्होंने। तो मुझे इस बात पे पूरा भरोसा था कि जब वोट देने जाएगी तो जनता भी ये नहीं देखेगी कि आप हमारे जाति के हैं या
आप हमारे धर्म के, ये देखेगी कि हमारे लिए काम कौन करेगा। और उसका मुझे दिखा भी, वो दिखा भी, क्योंकि आजमगढ़ से जितना वोट पा करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी जीते थे, उससे ज्यादा आजमगढ़ के लोगों ने मुझे वोट दिया। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्य के कारण ही हुआ था। टक्कर चल रहा था जी, जो उम्मीद नहीं थी कि मतलब आखिरी तक बराबरी, कभी आप ऊपर कभी नीचे। एक कहावत है ना कि तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के हैं, कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके पीछे तो कारण ये हुआ, ज्यादा इसलिए लोग चर्चा बना लिए। मैंने एक लास्ट डे पे मुझसे सवाल कर रहे थे, हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये सामने जो मुझसे सवाल कर रहे हैं लोग हैं कौन। मुझे अचानक कान में लाके एक ठेपी लगा दी, मुझे लगा कोई गठबंधन का नेता है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मैं उनको जवाब देने में अब मैं भिड़ गया, और मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ा। जी बिल्कुल सर, वो सुनाइए मुझे। हाँ, मैंने वो कविता पढ़ा कि स्वतंत्र भाव नरका अदम भी वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या विसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। मतलब अगर स्वतंत्र विचारधारा का आदमी है और अपने हिसाब से चलता है तो वो राजनीति बहुत छोटी चीज है, वो विधि के लिपि पे, पांव विधि के लिपि पे धर सकता है, मतलब विधि के लिखे हुए लिपि पे भी वो बदल सकता है। तो मैंने ये वीर रस की कविता रामहरि सिंह दिनकर जी की पढ़ी, और उसको पूरा उसका जो था उसको ये ऐसे दिखाने लगे, बताने लगे कि ये कह रहे हैं कि हम भगवान का लिखा मिटा देंगे, ये कर देंगे। तो उस वजह से वो ज्यादा चर्चा हो गई थी, बात कीजिए। हाल ये भी था कि सिंगल पोस्ट मैं भी डालती थी तो उसमें नीचे कमेंट आते थे, अरे ये तो निरोवर जी है जो भगवान का लिखा मिटा देंगे। तो लगा कि ऐसा क्या निरोवर जी ने बोल दिया। फिर वो पोयम सुनी तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर बाद में चला कि उसका मिसयूज किया गया। हाँ बिल्कुल ऐसा था। और क्या है, जब हम कोई बात करते हैं आप पूरे बात को, पूरे तथ्य को नहीं पकड़ेंगे तो आप सिर्फ कुछ शब्दों को पकड़ के अगर जाएंगे तो कोई फिर बात गलत हो सकती है। अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं चुनाव नहीं हार सकता हूं। जब तक आप हार नहीं माने कैसे कोई हरा सकता है। अरे भाई, हम फिल्म बनाते हैं, हर शुक्रवार को हमारी परीक्षा होती है, और किसी शुक्रवार को हम फेल होते हैं, किसी शुक्रवार को हम पास होते हैं। फेल हो सकते हैं पर हार नहीं मान सकते हैं। हमारी कोई फिल्म फेल हो सकती है, होती भी है, बंद तो ना कर, पर मैं फिल्म बनाना बंद थोड़े कर देता हूँ। अगर बंद कर दूंगा, मैं काम करना बंद कर दूंगा, या मैं मान लूंगा कि यार अब हमसे नहीं होगा, ये तो सारा फिल्म फ्लॉप हो गई, तो मैं हार मानूंगा या मैं हारूंगा। तो फेल होना अलग चीज होता है और हार मानना अलग चीज होता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं हार मानूंगा ही नहीं। आप जीत के भी आजमगढ़ में नहीं दिखोगे, मैं हारने की बात भी 5 बार जा चुका हूँ। मैंने देखा, 5 बार जा चुका हूँ और आने वाले 5 साल में देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। तो इसको कहते हैं हार नहीं मानना। हारता वो है जो मैदान छोड़ता है। तो ये पूरी बात को पकड़ेंगे तब दूसरी बात। अगर कहते कि नहीं नहीं आप तो हार गए, भाई मेरे हारने से हम हार गए। जब टीम जीतती है तो ही जीता जाता है। एक खिलाड़ी कोई सेंचुरी मार दे और पूरी टीम जो है खेल ही ना पाए तो हार हो गई ना। एग्जांपल क्रिकेट का ले ले। अब सरकार हमारी बनी है और हम आ रहे हैं, हम क्या वहां सांसद बनने के लिए लड़ रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे थे? तो जब सरकार हमारी बनी है तो हम जीते हैं। गठबंधन हारा है क्योंकि वो कहते थे कि हम जो है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हारा कौन? गठबंधन हारा, उनका गठबंधन टूट भी गया। तो बात पूरी समझते नहीं है और सिर्फ शब्दों को पकड़ के और कहेंगे कि ऐसा है, तो फिर क्या कह सकते हैं फिर?